एक्सिस बैंक स्ट्रेंथ में है, एसेट का मानना है खरीदारी करिए, लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। सत्यदेव साहब गुड मॉर्निंग। सत्यदेव साहब आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा मार्केट जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगा। 1700 से लेके 17600, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक ही अप्रोच होगा। इंडेक्स पे बहुत ज्यादा काम प्रोबेबली नहीं होगा क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है। सो जो कल हमने बात की थी, दो काउंटर्स थे, एक TCS था, कोटक, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जो अगर मुझे एक को चुनना है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ऑब्वियसली एक्सपायरी है तो बैंकिंग में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए मैंने कोटक को साइड पे रखा। प्रोबेबली बाजार खुलते ही इसके ऊपर व्यू आएगा। सो TCS के साथ ही चिपका रहूंगा उसे, क्योंकि इसी को कल भी हमने रेकमेंड किया था। और देखिए, TCS का स्ट्रक्चर मुझे बेहतरीन लगता है पोस्ट रिजल्ट। और एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, हमने देखा 3660, 3680, ये इसका कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है। और एग्जैक्टली इसी सपोर्ट को कल इसने पूरा दिन रिस्पेक्ट दिया, बशर्ते बाजार में इतना चौपिनेस था। तो आज TCS अगर मुझे डिप में मिलता है, दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैं TCS बाय करूंगा, सपोर्ट याद रखे 3680 का, इसके ऊपर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 3650 का। और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आशीष जी, वो रहेगा 3800 से लेके 3820। और डिस्क्लोजर ये है कि ये फ्रेश कॉल है, अभी तक क्लाइंट के साथ साझा नहीं किया। इनफैक्ट कल हम तो न्यूट्रल थे बाजार में, तो ज्यादा कुछ कॉल शेयरिंग नहीं किया था, तो प्रोबेबली आज यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। सो यहाँ पे डिस्क्लोजर यही होगा कि क्लाइंट के साथ अभी तक साझा किया नहीं है, पर्सनल पोजीशन यहाँ पे कोई नहीं है। TCS फ्यूचर्स।